देखिए, इससे पहले कि अगले रिपोर्ट की मैं शुरुआत करूं, इस किताब को आप देखिए, 77 पन्नों की एक किताब है और इसमें सीएजी की रिपोर्ट है, कच्चा चिट्ठा है कि असल में 2G स्पेक्ट्रम मामले पर क्या असल में हुआ है। और इसके ऊपर देखिए, यहां पर मैं कुछ जोड़ घटाना कर रहा हूं, आज दिन भर से समझ नहीं पा रहा हूं कि 1,76,000 करोड़ में कितने शून्य में लगा दूं। मैंने अपना सिर पकड़ लिया, पीट लिया, उसके बाद सारी रिपोर्ट पढ़ डाली, फिर समझ में आया कि माजरा क्या है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन एक तरफ दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार पर अवैध निर्माण से हुए हादसे पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि क्यों जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री की चुप्पी का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार से दिया है। पूर्व संचार मंत्री ए राजा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर फरमाया तो स्पेक्ट्रम घोटाले की आंच प्रधानमंत्री कार्यालय को भी झुलसा गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आखिर क्यों सुब्रमण्यम स्वामी के उस पत्र पर प्रधानमंत्री ने गौर नहीं किया जिसमें संचार मंत्री ए राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2008 में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ए राजा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी, लेकिन 15 महीने बाद दिए जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रधानमंत्री कार्यालय का जवाब उपयुक्त नहीं था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत छवि ईमानदार प्रशासक की रही है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे संचार मंत्री ए राजा ने अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया। लेकिन गठबंधन का धर्म निभाने के लिए मनमोहन सिंह ने चुप्पी साधे रखी। AIADMK ने भी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के रवैये का स्वागत किया है। उधर बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा है कि इतने बड़े घोटाले पर जवाब देने में लेट लतीफी का प्रधानमंत्री कार्यालय का रवैया आपत्तिजनक है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री से ए राजा को हटाने की मांग पहले नहीं की गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने हर बार ए राजा का बचाव किया। बात जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची तो हमला सीधे प्रधानमंत्री पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर कड़ी आपत्ति जताई। अब देखना यह है कि इस फटकार के बाद सीबीआई पर जांच का दबाव बढ़ता है या नहीं, क्योंकि ए राजा के खिलाफ सख्ती का असर केंद्र सरकार की सेहत पर भी पड़ेगा। सुमित नागपाल के साथ गोविंद ठाकुर, दिल्ली, इंडिया न्यूज़।